संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सफीदों हाट रोड पर श्री बालाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। यहां हम बात करेंगे, आज यहां जितने भी विद्यार्थी एडमिशन लेके आईटीआई में जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आईटीआई के प्रिंसिपल जो हैं श्री बालाजी आईटीआई के विनय कुमार जी, विनय कुमार जी बताइए यहाँ बच्चों को क्या क्या किस किस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है, किस किस तकनीक की शिक्षा दी जा रही है आपकी श्री बालाजी आईटीआई में, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, कस्बे में हाट रोड पर स्थित श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई का मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी आईटीआई के अंदर तीन ट्रेडें हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन और फिटर है। गौर की बात यह है कि तीनों की तीनों ट्रेडें एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त हैं, साथ में बाहर डीजीटी से। ठीक है, तीनों ट्रेड दो दो साल के, और मेरे ट्रेड के अंदर काम जिन बच्चों ने किया है, जो कोर्स लिए हुए हैं, 36 बच्चों का मेरे आईटीआई से जींस कंपनी के अंदर चयन हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर रखा जाता है। जो सारे के सारे वर्कशॉप हैं सभी उपकरणों से सुसज्जित हैं। यहाँ पर बच्चों को डेली 3 से 4 घंटे वर्कशॉप के अंदर बच्चों को रखा जाता है। और मेरी जो संस्था है ये श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई है, NISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार से। आप देख रहे हैं जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है श्री बालाजी आईटी जो सफेदों के हार्ट रोड पर स्थित है। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ बच्चों को किस किस टेक्निक पर क्या क्या शिक्षा दी जा रही है। कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे साथ चलें। यहाँ आप देख रहे हैं श्री बालाजी आईटीआई के प्रांगण में हम मौजूद हैं, और यहाँ हम जानना चाहेंगे कुछ विद्यार्थियों से भी कि उनको यहाँ किस किस चीज़ के बारे में, किस टेक्निक के बारे में शिक्षा दी जा रही है। यहाँ हम कुछ विद्यार्थियों से बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि उन्हें यहाँ किस किस टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है या शिक्षा दी जा रही है। आपका नाम? रॉबिन मलिक। रॉबिन मलिक, बताइए हमें यहाँ आपने किस चीज़ में एडमिशन लिया है और क्या क्या आपको यहाँ टेक्निक सिखाई जा रही है। मैंने यहाँ श्री बालाजी आईटीआई में एडमिशन लिया है इलेक्ट्रीशियन में। यहाँ पर टाइम टू टाइम कंपनियाँ आती हैं और बच्चों का चयन करती हैं जी। यहाँ हम एक और विद्यार्थी से बात करेंगे, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं मुआने का रहने वाला हूँ सर। आप बताइए यहाँ आपने किस चीज़ में एडमिशन ले रखा है और किस टेक्निक पे आप यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने फिट ट्रेड ली हुई है, मैं श्री बालाजी आईटीआई का छात्र हूँ, और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से काम सिखाया जाता है और अच्छे से पढ़ाई भी की करवाई जाती है। तो यहाँ आप एडमिशन लेके अपने भविष्य को कहाँ तक सुरक्षित देखते हैं? हमने यहाँ पर जो 16 जुलाई को विराज सीएनजी कंपनी आई हुई थी नोएडा से, उसमें मेरा चयन हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आगे और भी मैं अपने भाई बंधुओं को यहाँ पर लेके आऊँगा। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा काम सिखाया जाता है। जैसे कि श्री बालाजी आईटीआई के विद्यार्थी बता रहे हैं कि उनका यहाँ भविष्य सुरक्षित है, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ और विद्यार्थियों से जो यहाँ स्पेशल टेक्निक पर काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइए ज़रा, आप ये क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं? सर ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हमारे पास, उसकी जो हाउस वायरिंग है सर, ये कई तरीके से की जाती है। ये अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर कई तरह के, जैसे स्टेयर केस है जी, गोदाम है और टनल वायरिंग है आदि कई प्रकार के जी, ये बच्चे करते रहते हैं जी प्रैक्टिस हर समय। इनको समय समय पर जो भी इंस्ट्रक्शन आदेश आते हैं जी DGMT के सिलेबस संबंधित, वो प्रशिक्षण को दिया जाता है जी संबंधित। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट आपने खुद तैयार किया है? ये बच्चों ने किया है सर, ये मैंने इनको बताया, इससे पहले करवाया इनको, फिर इन्होंने खुद बनवाया जी। यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जो यहाँ श्री बालाजी आईटीआई के विद्यार्थियों ने तैयार की है। ये कितनी कामयाब है यह टेक्निक? क्या जी? ये टेक्निक जो है कितनी कामयाब है और इसके बारे में जरा और बताइए कि क्या काम करती है ये? सर 100% से इन्होंने एक हाउस वायरिंग होती है जो घर के अंदर हमारा प्रयोग किया जाता है,
उसके जो इलेक्ट्रिक संबंधी जो भी वायरिंग है यहाँ पे इन्होंने कर रखी है जी। इसमें इन्होंने एनर्जी मीटर लगा रखे है जो घर से सप्लाई से पहले लगाया जाता है जी। एनर्जी मीटर से पूरे घर में इन्होंने सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है जी। इन्होंने एम्पियर मीटर भी साथ में वोल्ट मीटर भी एक बेल भी लगा रखी है। बाहर से कोई बंदा अगर घर के अंदर एंट्री करता है तो इसको बजा के जी इसको संकेत दिया जा सके कि गेट पर कोई बाहर, यानी कि सेफ्टी के लिहाज से भी ये टेक्निक जो ये प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया ज़्यादा सुरक्षित और बढ़िया है। हाँ जी, सेफ्टी के लिए उन्होंने MCB का प्रयोग कर रखा है जी ऑलरेडी। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि इनका बताना है कि इस टेक्निक से घर की सेफ्टी भी होती है और ये टेक्निक घर में वायरिंग की सप्लाई के लिए भी बहुत ही कमाल की टेक्निक है। इसी बारे में हम यहाँ देखेंगे कितने यहाँ स्टूडेंट हैं। आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ प्रिंसिपल साहब से जानना चाहेंगे, विनय जी से। विनय जी, इस टाइम आपके श्री बालाजी ITI में कितने बच्चे यहाँ परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं? मेरी ITI में इस टाइम सर 125 बच्चे हैं टोटल, सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर जो फ्रेश बैच हैं उन दोनों को मिला करके, जिसके अंदर मेरे 42 बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिशियन में हैं और 21 बच्चे फिटर में, 21 बच्चे वायरमैन में हैं। ये केवल फर्स्ट ईयर के हैं लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चे अलग से। यहाँ आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना है स्किल इंडिया का, उसको साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है सफ़ेदों की श्री बालाजी ITI इंस्टीट्यूट में। सफ़ेदों संसार क्रांति न्यूज़ से मैं अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव के साथ हरीश कपूर।